ओके गाइस, तो रमजान करीम फाइनली अनाउंस हो गया कि आज मतलब कल पहला रोजा है, आज रात को सहरी होगी। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। फाइनली मैं 2 महीने बाद नहा ली। मजाक कर रही हूँ, देखो मुझे तब बुरा दाना निकला है यहाँ पे। एनी वेज गाइज, आई एम सो हैप्पी फाइनली आज पहली सहरी है। आई एम सो हैप्पी। सो यार अभी तक नहीं है कन्फर्म कि मतलब कल पहला रोजा है कि नहीं। वी आर वेटिंग फॉर तरावी। सो मैंने बोला कि मैं व्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ। आई एम नॉट क्राइंग, आई जस्ट मैंने शावर लिया, तो मैंने बोला अभी स्टार्ट करती थी व्लॉग, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज अभी लाइव का टाइम हो रहा है। ठीक है, सो या लेट्स वेट कि तरावी होती कि नहीं, आप लोगों को सुनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहंदी का रंग इस तरीके का है। मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार करती है, खसम को तो छोड़ ही दो, लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है। मामा अगर सहरी हुई तो क्या बनेगा? लेकिन मैं तो डाइट कर रही हूँ, तो मैं तो उससे खाऊंगी। अम्मी मैंने इतनी मुश्किल से वेट लूज किया यार। नहीं अम्मी, चलिए एक दिन चीट कर लेते, लेकिन फिर हम नेक्स्ट सहरी में जो है ना बहुत एहतियात करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट गुड। पता है आपको मम्मी, अपने पसंदीदा खाना खा लो और फिर जिम में जाके वर्कआउट करना इतना मुश्किल होता है, जान निकल जाती है। अच्छा, तो आप भी तरावी का वेट करिए। हाँ, मैं भी तरावी का वेट कर रही हूँ। हम सब तरावी का वेट करें गाइस, हम सब। सो लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ईशा की अजान के बाद पता लगेगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछे थे कि इस साल आपने अपने घर की डेकोरेशन वगैरह नहीं की, आप लोगों ने बाहर का पूरा देखा है कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कैसे करती? लेकिन अंदर मैं अपने रूम में सोच रही हूँ एक कॉर्नर बनाने का। मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज़ मैं एक चीज़ में बिजी हूँ, आप लोगों को बताया है, वो भी इंशाल्लाह सून आएगा, तो हम डेकोरेशन भी करेंगे, डोंट वरी। और मुझे अपनी हिना का कलर इतना अच्छा लग रहा है, आई एम जस्ट यू नो सो एक्साइटेड। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे व्लॉग में आप लोगों को सिर्फ सहरी दिखानी चाहिए या फिर रोज़ा भी इफ्तार करते हुए दिखाना चाहिए, लेकिन लेट्स सी जो होगा मैं देखूंगी। ओके गाइस, तो रमजान करीम फाइनली अनाउंस हो गया कि आज मतलब कल पहला रोज़ा है, आज रात को सहरी होगी, तो मैंने अभी लाइव कर दी और आप लोगों को सब टाइमिंग वाइमिंग का भी बता दिया है। अब हम जाएंगे मामा की हेल्प करवाने के लिए सहरी वगैरह के लिए, देखते हैं क्या है, क्या सीन है, कब बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:35 और हमें सहरी करनी होती है लाइक अराउंड 3 समथिंग लाइक दैट, लाइक 1-2 घंटे पहले। सो यस, लेट्स सी 1-2 घंटे किस चीज़ से? फजर होने से पहले। व्हाट इज फजर? सनराइज। हाँ, सनराइज। सो यप, लेट्स गो, देखते हैं। मॉम से पूछते हैं कब आप बनाना स्टार्ट करेंगी, तो हम मॉम की हेल्प करवाएंगे। एज यू ऑल नो कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, बट आई विल शो यू ऑल जैसे कि मैं कुक कर रही हूँ, ठीक है ना? आप लोग जो पीछे आवाज़ें सुन रहे हो ना, ये तरावी हो रही है, तो ये हम कल से जाएंगे। आज तो टाइम आप लोगों को बताना था तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन कल से हम स्टार्ट करेंगे। और मॉम क्या रहे? ये मामा क्या कर रही हो? किचन क्यों? पानी क्यों? अच्छा मम्मी, मुझे आपसे ये पूछा था, हम सहरी बनाना कब स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो यानी आज हमारा डिनर सहरी हुआ। ओके मॉम, आपने चढ़ाने, हमें एक एक चीज दिखानी है सबको, मतलब अच्छे से, ठीक है? ओके गाइस, तो हमें थोड़ी बहुत और भी चीजें चाहिए, सही है? काम किया करो ये गाइस, तुम्हारे घर में आके खाना पका के नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं मेड रख लूंगी, कुक भी कुक रख लूंगी, कुक। यस, गाइस अभी हम लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। रश चेक करो यार, कितना ज़्यादा रश हो रहा है, मतलब पता लग गया कि हाँ रमजान आ गए। मम्मी ले लो अच्छी अच्छी चीज़ें, वरना सब चले आएंगी। अभी मुझे तो पकड़ो यार, मुझे तो डर लग रहे थे रश से। कैसे मम्मी को पकड़ा हुआ है और पप्पा ने मम्मी को पकड़ा हुआ है क्या?
सो गाइज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द फ्रूट्स बिकॉज और सारी चीज़ें तो हम ले चुके थे. मैं आप लोगों को बताया था कि जिस दिन रमजान होगा उसी दिन हम लोग फ्रूट्स लेंगे बिकॉज वो खराब हो जाते हैं. सो वी आर फोकसिंग ऑन फ्रूट्स. मॉम एंड डैड भी फ्रूट्स ले रहे हैं. मम्मी को देखो खा खा के देख रही है यार. हंस तो मम्मी खा खा के देख रही हो. गाइज ये देखो इतनी टेंशन चल रही है और मम्मी को बूके की पड़ी है. मम्मी ने ये बूके लिया है. पता नहीं क्या ये किस चीज़ में यूज़ होता है ये बूके. अजीब ये बूके देखो इतने सारे एक दो. ये क्या है ये. शायद रमज़ान में सब ये बूके अपनी बीवी को गिफ्ट करते होंगे. पता नहीं क्या है ये. हमने ये बूके क्यों लिया है. ये क्या है ये फिर. किसका पत्ता. ले भाई कड़ी पत्ता. ऐसे जैसे मुझे पता नहीं था. मुझे पता था मैं बस मम्मी को चेक कर रही थी. कड़ी पत्ता पतीली. कौन सी पतीली. और आपको एक अच्छी बात बताऊं क्या. आप जैसे अनाड़ी के लिए ना तो है कि गैस होनी बहुत जरूरी है. मम्मी बोल रही है तो कहा है पतीली. कौन सी है पतीली. आगे ओके गाइस इसमें कुछ है. ओके प्यासा काम करना पड़ता है यार. प्यास काम. प्याज कितनी चाहिए. निकाल लीजिए दो. कितनी अंदर ले दो तीन. ऑमलेट बना रही हूँ. तीन चार. चार इसमें कितनी दिखाओ मुझे. तो इस बेचारे का क्या कसूर है. चलो क्या बिगाड़ा है. चलो उसको भी रख. हाँ पांचों को यूज करेंगे हम. हो गया. यस ठीक है. अब जब तक मैं छीलती हूँ प्याज. ठीक है मैं नहीं छील सकती. छील सारे से बता. इससे दूसरे निकालो. गोश्त काटने वाले निकाल दिया. ये तो मेरे बाएं वाले मम्मी इनको बता रहे मैं अभी करती हूँ यार. फिर तो अगर आयुष की मम्मी देखी होंगी तो शायद शादी भी नहीं करवाएंगी. बोलेंगे पहले तू सीख ले. वो नहीं करवाएंगे. मैं नहीं करवाऊंगी. मम्मी मेरी साइड पे उसकी साइड पे हो. आयुष की अभी प्याज छील साइड पे. देखो मम्मी को अब मैं घर बर्बादी दो. ये देखिए इसको ऐसे करते हैं. ऐसे क्यों बोल रही हो. ऐसे सीखो बेटा. कभी कभी ऐसे करते हैं. सीखने से अभी वैसे नानी ने आपको कैसे सिखाई. नानी पता है क्या करती थी. जब हमें काम घर का काम सिखाया गया है ना मैं रोटी खाने नहीं आती थी ना मुझे. तो नानी क्या करती थी सब के लिए रोटी बनाती थी. मेरे लिए छोटी थी अपनी रोटी खुद बना. और सब मुझे बनाना नहीं आता था. ऐसे करती थी नानी. जुल्म जुल्म नहीं मतलब सिखाने के लिए. पहले जमाने में लोग वैसे करते थे ना. अल्लाह सरासर ना इंसाफ है. मम्मी आपके साथ अपने घर का अच्छा खाना बनाना आता है. अम्मी ने आपने क्यों सहा. मैं होती तो कभी ना सहती. अभी आप क्या कर रहे हो. मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ. ये पिछला चलो इसे वॉश कर लो. ये लो चाहिए कि नहीं. नहीं ये भी चाहिए. नहीं मिलता है खाना खराब करो. छोड़ो उसे भी कचरे को और इसे वॉश कर लो. बारीक कटनी चाहिए उसमें. आप फिर इसमें डाल देंगे. बारीक बारीक का मतलब समझती हो. देखो इतनी बारीक. देखो जैसे ऐसे छुरी चलाओ बेटा. ऐसे बारीक स्लाइस कर दी. ऐसे आप उसको पता नहीं आप उसको क्या कर देंगे. क्या से छत का वहां से अलीजी बारीक स्लाइस है. ये बारीक नहीं तो क्या है. एक आप कंपेयर नहीं कर सकती. हाँ ये देखो प्याज कितनी है.
उनको कुछ आता ही नहीं है, तौबा तौबा। ऐसी सुघड़ औरत से शादी के पप्पा ने। हमारे घर में आटा ऐसे ऐसे उससे निकलता है। क्या आप लोगों के पास भी बकेट इसी तरीके की होती है, मतलब इसी तरीके से आप लोग अपने आटा सेव करके रखते हो? आधा कप डालो। कितना मम्मी? आधा कप डालो। आधा कप? हाँ, क्योंकि मैंने वो बात। सो गाइस, हमने आटा भी निकाल लिया, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। और आटे और मैदे में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। हम इसको कहाँ रखते हैं? देख सकते हैं आप, सारा काम मैं कर रही हूँ, थक गई मैं तो बहुत। और मम्मी, जब आटा गूंदने की मशीन नहीं नहीं आई थी ना दीजे जी, तो मैंने तेरे अब्बू को बोला था, मैंने कहा मैं मुझे आटा गूंदने की मशीन ला दो ना। हाँ। मुझे आटा गूंदते हुए अच्छा नहीं लगता, ये हाथों पे चिपकता है ना, तो शुरू से मुझे कुछ होता है ना। हाँ। तो मैंने कहा मुझे आटा गूंदने की मशीन ला दे, इतनी अच्छी मशीन आई हुई है ना बाजार में। हाँ। मैंने देखा है ना। हाँ। तेरे अब्बू ने मुझे देखा। हाँ। और कह रहे तुझे फिर किस लिए लाया आटा गूंदने की मशीन? मम्मी आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बहुत ही नाच कहते थे, मैं घर में आटा गूंदने की मशीन नहीं आई, चपाती लेकर आ गया लेकिन आटे की मशीन नहीं आई। ओहो, हमारा जो है ये बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल यम्मी। हा हा हा, क्या खुशबू आ रही है, मतलब मेरे हाथ चूम लो, इतना अच्छा मैंने बनाया है। और अब हम जो है बना रहे हैं चावल कुकर में, क्योंकि मम्मा सिर्फ खाएंगे तो हम कुकर में बनाएंगे, ठीक है? कुकर। KUKUR कुकर। सो गाइस देखो इस तरीके से मम्मा कितना मस्त, ओ माय गॉड, अल्लाह करे कभी किसी दिन मैं भी इतनी प्रो हो जाऊं। वाओ मम्मी वाह, क्या हाथ चलते हैं यार, क्या हाथ चलते हैं, ओए होए होए, क्या बात है मम्मी, वाओ। या फटाफट बना लो कि मम्मी आप इतनी फास्ट कैसे हो, वाह यार। सो गाइस ये देखें, इसके पागल हो गया पक पक के, ठीक है। अब क्या करना है इसके साथ मम्मी? है मम्मी,
ऐसे छोड़ना है इसको, इसको ऐसे छोड़ना है, देखिए सही। साथ साथ जो है मैं डाइनिंग टेबल पे जो है चीज़ें वगैरह भी रख रही हूँ सेट करके, बिकॉज अब टाइम हो रहा है और मुझे जो है आज हम लोग जल्दी सहरी करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने खाना नहीं खाया है जल्दी, इन सेंस अभी 1 बज रहा है ठीक है, और करते करते 3-4 बज जाएंगे विच इज़ फाइन, क्योंकि बर्तन वगैरह भी धोने हैं और मुझे फिर व्लॉग भी अपलोड करना है। सो यस, आयुष उधर बैठता था हमेशा। ओए होए मम्मी द कुक, क्या गरम गरम रोटियां यार, आई कांट वेट फॉर द पराठा, बना रही पराठा। सो गाइस ये रहा मेरा, हाय कितने टाइम बाद खा रही हूँ मैं पराठा, बहुत गरम है, बिस्मिल्लाह। वाह मम्मी डिलीशियस यार, लेकिन बहुत गर्म है मॉम, ओह माय गॉड बहुत गर्म है। तो गाइस ये रहा ठीक है मेरा पराठा, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे फाइनली, मेरी सहरी हो रही है। इतना ज़्यादा ऑयल है यार, गिरी चाय बहुत इम्पोर्टेंट है यार, आपको नहीं दिया गाइस चाय बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोबारा से आ जाओ तुम भी, इसको बोलना कि बंद करके ना सो जाए। तुम अपना गेम बंद करके, फजर की नमाज पढूंगा। ओहो सोऊंगा ही नहीं, सारी नमाजें पढूंगा, फिर मगरिब की नमाज पढूंगा, फिर एक दिन सोऊंगा, फिर ईशा पढूंगा, तराविह पढ़ने चले जाऊंगा। मां गए यार, जब से अब्दुल वासी पैदा हुआ है ना हम यही सुन रहे हैं, लेकिन ये बस फजर की और मगरिब की पढ़ता है, बस बर्तन वगैरह धोने, मैं बर्तन धो रही हूँ ठीक है। सो यप आई सी कैसे चले नेक्स्ट व्लॉग, यही मेरा आज का मतलब सहरी व्लॉग था, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और रमजान आ गए 1 महीने के लिए, अपने जबानों पर लगाम दीजिए, लोगों को जज करना छोड़ दीजिए, अपने घरों को देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी आखरत को देखिए, दूसरों की आखरत को छोड़ दीजिए ठीक है। हैव फन, डोंट हर्ट एनी वन, ट्राई कि आप अच्छे अच्छे अमाल कमाएं, अपने माँ बापा को खुश रखें, और या मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी, बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव रहना है हम लोगों ने। सो क्या बात, कैसे चले नेक्स्ट व्लॉग, बाय। बर्तन धोने।